जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरिक मोटो वर्ल्ड। एंड गाइज, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द ब्रांड न्यू 2022 सुजुकी जिक्सर SF155। और आज बेसिकली इस बाइक का एक फ्रेश डिटेल्ड वॉकअराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। क्या है इस बाइक का स्पेसिफिकेशन, 2022 मॉडल में क्या नया फीचर्स देखने को मिल रहा है, 2022 में कितना ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, क्या कलर वेरियंट के साथ मिल रहा है, इस बाइक का क्या माइलेज है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, मेरे सामने आज है द ब्रांड न्यू सुजुकी जिक्सर SF155। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका का कलर वेरिएंट की बात करें तो टोटल 3 कलर वेरिएंट के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज ग्लॉसी रेड, इसको छोड़ के और 2 कलर वेरिएंट मिलता है, ब्लैक एंड ब्लू। एंड इसका अगर 2022 में इसका ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 1,64,379 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता। आपका स्टेट का अगर ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप जरूर मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका स्टेट में इसका कितना ऑन रोड प्राइस है मैं कमेंट के थ्रू जरूर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड गाइज, वेरी स्पेशल थैंक्स टू अनिमेश सुजुकी कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो या फिर आप अगर हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो, आपको अगर सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या फिर परचेस करना है या फिर टेस्ट ड्राइव चाहिए तो आप डेफिनेटली अनिमेश सुजुकी कोलकाता में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फेब्रुआरी महीने तक आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है कि इस बाइक को अगर आप फेब्रुआरी के अंदर खरीद रहे हो ऑफिशियल सुजुकी से, ये ऑफर है आपको, इसमें ऑन रोड प्राइस के ऊपर 8,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग आप पकड़ के चलिए, इसका अगर ऑन रोड प्राइस 1,64,000 होता है तो अप्रोक्स आपका ऑन रोड प्राइस जो है 1,56,000 के आसपास इसका फेब्रुआरी महीने तक ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस बाइक का एकदम फ्रेश वॉकअराउंड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑल LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। एंड ये लाइट जो है आप देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है। ये अभी लो बीम पे ऑन है, ठीक है। इसका अगर हाई बीम मैं ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इतना बड़ा लाइट भाई साहब कोई भी बाइक में आज तक मेरे को दिखा नहीं, सिर्फ आपको जिक्सर SF155 में ही देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर पैनल आप देख पा रहे हो ये आपको ग्लॉसी प्लेन ब्लैक में मिलता है और साइड का जो फेयरिंग है ये पूरा आपको ग्लॉस रेड कलर में मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने का जो जगह है यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। एंड भाई साहब यहाँ पर एक छोटा टाइनी सा एक विंडशील्ड दी गई है जो किसी काम का नहीं आता है। नेक्स्ट अपडेट में कंपनी को डेफिनेटली इस विंडशील्ड का कुछ करना चाहिए, थोड़ा बड़ा विंडशील्ड देना चाहिए कि विंड ब्लास्ट प्रोटेक्ट होगा प्रॉपर। आफ्टर मार्केट आप इसको बड़ा विंडशील्ड भी लगवा सकते हो। और यहाँ पर आपको फोल्डेबल मिरर मिलता है आप देख पा रहे हो और साइड माउंटेड इंडिकेटर दी गई है। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको रेड कलर में मडगार्ड देखने को मिलता है। एंड मडगार्ड जो है फाइबर का मडगार्ड मिलता है सुजुकी का। यहाँ पर आपको स्टिकरिंग दी गई है, प्लेन मडगार्ड है। और रियर पोर्शन मडगार्ड का अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर छोटा मडगार्ड देखने को मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक को मायने रखते हुए यहाँ पर थोड़ा छोटा आपको मडगार्ड मिलता है। 41 mm का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है जो काफ़ी मोटा है, काफ़ी चंकी है। और फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 266 mm का डिस्क मिलता है विद बाइब्रे कैलिपर के साथ, सिंगल चैनल ABS है, स्टैंडर्ड मिलता है। फ्रंट का जो टायर है दिस इज MRF नाइलो ग्रिप जैपर का टायर दी गई है, 100x80 सेक्शन का 17 inches का आपको ट्यूबलेस अलॉय व्हील के साथ ये टायर मिलता है। रेसिंग रेड कलर में आपको ये रिम के साइड पे आपको स्टिकरिंग भी देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो जिक्सर SF का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। ये जो बड़ा जिक्सर का एक स्टिकरिंग आप देख पा रहे हो और यहाँ पर आपको जिक्सर SF का स्टिकरिंग देखने को मिलता है जो ग्रे कलर में है, मेटालिक मैट ग्रे कलर में आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम ये बाइक को बनाया गया है, कोई भी पैनल गैप वगैरह यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो दिस इज पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलता है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। टैंक के साइड पर आपको सुजुकी का 3D में लोगो देखने को मिलता है। और साइड फेयरिंग एक बार आपको दिखा देता हूँ, सो साइड का लुक्स आप देख सकते हो। बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है। और अभी आते हैं इंजन की तरफ। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको 155 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड SOEC इंजन मिलता है। और इसका अगर पावर फिगर की बात करें तो 13.6 PS का आपको मैक्स पावर मिलता है। 13.8 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस इंजन से जो 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। और सुजुकी इसमें ACP टेक्नोलॉजी भी यूज करता है, विच इज़ सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, जो आपका फ्यूल जो है एकदम प्रॉपर बर्न होके आपका प्रॉपर माइलेज या प्रॉपर पावर जो है इस बाइक से आपको मिलेगा। और इसका माइलेज की बात करें तो लगभग आप पकड़ के चलिए 45-50 KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको डेफिनेटली मिल सकता है। और इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस बाइक में जो है किक नहीं है, इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही मिलता है। ये नीचे जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये पूरा ब्लैक फिनिश में है। और सुजुकी का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग दी गई है, सामने से भी एक बार दिखा देता हूँ। सो ये पोर्शन आप देख पा रहे हो
हॉर्न प्लेसमेंट का जो जगह है यहाँ पर हॉर्न प्लेसमेंट की गई है, सिंगल हॉर्न मिलता है। और ये जो है एयर कूल्ड इंजन है, कोई भी ऑयल कूल या फिर लिक्विड कूल इंजन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 165 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका अगर वेट की बात करें तो 148 kg इस बाइक का वेट है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 795 mm इस बाइक का सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5'3" भी होगा तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली चला पाएंगे। रियर ब्रेक पैडल आप यहाँ पर देख पा रहे हो एंड फुटपैक वगैरह जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये जो है प्रॉपर आपका रियर जो पिलियन है उससे पैर का प्रॉपर ग्रिप मिलेगा फुटपैक में। बाकी इसमें जो है रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर दी गई है विच इज़ एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और एग्जॉस्ट जो है ये भी आप देख सकते हो क्रोम फिनिश यहाँ पर दी गई है और इसमें भी आपको क्रोम सील मिलता है। एग्जॉस्ट का साउंड आपको जरूर सुनाऊंगा, डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, आगे मैं एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊंगा। ऊपर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट दी गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इधर से एक बार आपको दिखाता हूँ सीट जो है राइडर का सीट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो राइडर का सीट काफ़ी वाइड है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और पिलियन का सीट भी जो है आपको ठीक ठाक मिलता है, ज़्यादा ह्यूज बड़ा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इस सेगमेंट में जो जो बाइक आ रहा है, मतलब ऐसा स्पोर्टी सेगमेंट में जो जो बाइक आ रहा है उससे तो काफ़ी बेहतर सीट यहाँ पर दी गई है। अच्छा खासा कुशन भी है और रियर ग्रैब रेल आप यहाँ पर देख पा रहे हो। रियर ब्रेक की अगर बात करें तो इसमें आपको 240 mm का डिस्क मिलता है विद वाइब्रे कैलिपर के साथ। बॉक्स कटिंग स्विंगम दी गई है, सिंगल चैनल ABS मिलता है। और रियर जो टायर है यहाँ पर आपको रेडियल टायर मिलता है 140/60/17 का, आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलता है। MRF रिप्जी का टायर दी गई है। और रिम के साइड पे जो है आप देख पा रहे हो रेड कलर में आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। टायर हगर भी यहाँ पर दी गई है। रिफ्लेक्टर आपको काफ़ी जगह में देखने को मिलेगा, इधर भी रिफ्लेक्टर है, इधर भी रिफ्लेक्टर है, इधर भी रिफ्लेक्टर है। टेल लाइट ऑल LED टेल लाइट है। ये जो है इग्निशन ऑन करने के बाद ये टेल लाइट ऑन होता है, ये पोर्शन जो है ऑन होता है। ब्रेक दबाने के बाद यहाँ पर जो LED रहता है वो जल जाता है। और रियर का जो व्यू है काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम, मतलब टोटल ओवरऑल जो बाइक का जो लुक्स है, बाइक का जो फिट एंड फिनिश है टोटली प्रीमियम यहाँ पर रखा गया है। और नंबर प्लेट का लाइट जो है यहाँ पर LED दी गई है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा, एक छोटा टेल लाइट यहाँ पर दी गई है एंड बल्ब इंडिकेटर यहाँ पर दी गई है। और टायर मतलब मड एक्सटेंशन भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो पिलियन तक अगर कीचड़ मतलब उछल के ना आए इसलिए यहाँ पर एक्सटेंशन भी दी गई है। ये काफ़ी अच्छा काम किया है सुजुकी ने। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मैसिव साड़ी गार्ड मिलता है। ये जो साड़ी गार्ड देख पा रहे हो ये साड़ी गार्ड में चेंजेस है, पहले इतना बड़ा साड़ी गार्ड नहीं आता था, अभी इसमें इतना बड़ा साड़ी गार्ड मिल रहा है। और दिस इज़ ओपन साइड चेन सेटअप, तो हर 500-600 km के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। उससे भी बड़ा चेंजेस जो है यहाँ पर आपको साइज 10 इंजन कटअप सेंसर देखने को मिल रहा है, ये जो आप देख पा रहे हो। सो दिस इज़ साइज 10 इंजन कटअप सेंसर। आपका बाइक अगर गियर पे रहेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ओके। और दिस इज़ द टो शिफ्टर 5-speed गियर बॉक्स। और इसमें आपको मिडिल स्टैंड भी आता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस सेगमेंट में कोई भी बाइक में मिडिल स्टैंड नहीं आता है, मतलब ऐसा स्पोर्टी लुक्स में इसमें आपको मिडिल स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड तो मिलता ही है। इंजन के इस साइड आपको सुजुकी का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। ट्रस्ट में इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, ऑब्वियसली जापानीज टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। सुजुकी का, यामा का, कावासाकी का, ये सब इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइन होता है। तो साइड स्टैंड वाला फीचर जो है आगे मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। हैंडल बार की अगर बात करें तो हैंडल बार यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पूरा क्लिप ऑन हैंडल बार दी गई है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल का एक कवर को एक बार हटाते हैं, यहाँ पर हैंडल बार की यहाँ पर इंजन कटअप स्विच मिलता है, सेल बटन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और ग्रिप वगैरह जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एंड हाई बीम लो बीम का स्विच दी गई है, इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर। एक बार हॉर्न सुन लेते हैं, हॉर्न जो है लाउड है। और दिस इज़ द डिपर बटन। क्लच काफ़ी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, 155 cc वाइज क्लच काफ़ी लाइट है। की अगर बात करें तो की एकदम नॉर्मल की है, लेकिन की के यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, अब देख पा रहे हो। वेब की इस प्राइस पॉइंट में देना चाहिए था, आई होप फ्यूचर में वेब की आपको देखने को मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इसको एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं। तो बेसिकली क्या मिलता है आपको, ऊपर में आपको मिलता है टैकोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर कौन सा गियर पर है, स्पीड शो कर रहा है, किलोमीटर शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, फ्यूल गेज दी गई है। और यहाँ पर दो स्विच दिए गए हैं, सिलेक्ट एंड एडजस्ट बटन। सिलेक्ट से बेसिकली आप अगर सिलेक्ट दबाएंगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज और ओडो। और इधर से एडजस्ट से आप टाइम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर एंड देखिए ऑयल चेंज एंड इंटरवेल का यहाँ पर आपको रिमाइंडर भी देते हैं। हाई शिफ्ट RPM लिमिट, इस साइड में आपको क्या इंडिकेशन मिलता है, इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है एंड दिस इज इंजन माल फंक्शन, न्यूट्रल का सिग्नल, हाई बीम,
और इसमें आपको सिलेक्ट एंड एडजस्ट बटन सुजुकी का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है। ABS का सिग्नल कोई भी एरर रहेगा तो शो करेगा और इधर जो है आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है। बाकी मिरर जो है मिरर आपको अच्छा खासा वाइड मिरर मिलता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है रियर में देखने से। और बाकी इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इसको एक बार एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देते हैं। बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, आई होप आप लोग सुन पा रहे हो। बहुत ही साइलेंट बाइक है, मतलब एक बाइक स्टार्ट है, एक 195 सीसी का बाइक स्टार्ट है, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है। बहुत ही रिफाइन इंजन है, बहुत ही रिफाइन इंजन है। तो अभी एक बार इसको गियर पे डाल के भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो अभी जो है बाइक स्टार्ट है, आप सुन पा रहे हो, यहाँ पर टैकोमीटर भी शो कर रहा है, बाइक स्टार्ट है, आप देख पा रहे हो। अभी एक बार इसको गियर पे डालते हैं तो आप सुनिए। तो देखिए गियर पे डाला, क्लच अभी तक मैं दबा के बैठा हूँ और इधर बाइक जो है ये बंद हो गया है। एक बार एग्जॉस्ट भी आप सुन लो, बाइक जो है अभी बंद हो चुका है। एंड अभी अगर गियर पे है, इसको अगर मैं स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, सेल्फ दबा रहा हूँ, तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंड गियर जो है यहाँ पर 1 शो कर रहा है। इसको अभी एक बार न्यूट्रल पे करते हैं। अभी जो है बाइक न्यूट्रल पे आ चुका है एंड इसको अभी एक बार स्टार्ट करते हैं। तो बाइक जो है दोबारा स्टार्ट हो चुका है एंड गियर पे डालने से बाइक जो है ऑटोमेटिक इंजन कट ऑफ हो जा रहा है। तो इसमें आपको डेफिनेटली इंजन कट ऑफ सेंसर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका का ऑन रोड प्राइस आपका स्टेट में आपको अगर जानना है तो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। आपका स्टेट में इसका कितना ऑन रोड प्राइस है ये मैं कमेंट के थ्रू जरूर आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ये नया अपडेट आपको कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैक्सिमम इस सेगमेंट में जो जो बाइक आ रहा था सब में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर मिल रहा था, लेकिन इसमें जो है खामियाँ था। बाकी ये बाइक जो है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइन है, ऑब्वियसली सुजुकी का बाइक है, तो नो डाउट टोटली दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। जिनको ये बाइक पसंद आ रहा है, कोई भी अगर स्मूथ बाइक आपको लाएगा, कोई भी अगर स्मूथ पावरफुल एंड माइलेजेबल बाइक आपको अगर लाएगा, तो डेफिनेटली आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो, एक बार आके आप टेस्ट ड्राइव जरूर ले सकते हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइस, बाय।